हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम टू इंग्लिश रिलीश। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी ग्रामर का 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपका केवीएस पीआरटी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, संबंध, अधिकरण, संबोधन या अपादान। द आंसर इज संबोधन। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है, संप्रदान, अपादान, करण कारक, संबंध कारक। द आंसर इज अपादान कारक। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, कर्ता कारक, कर्म, संप्रदान या करण। द आंसर इज करण। ये देखिए, अपादान कारक के लिए भी से यूज होता है, लेकिन ये ऑप्शन में अपादान नहीं है, तो आंसर होगा करण। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, इस वाक्य में कलम किस कारक में है, करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक। द आंसर इज करण कारक। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, द आंसर इज अपादान कारक। रसगुल्ला में कौन सा समास है, द आंसर इज तत्पुरुष। अजय शब्द का विलोम शब्द क्या है, विजित, जय, परास्त या पराजित। द आंसर इज जय। कर्कश शब्द का विलोम शब्द नहीं है, उनमें से कौन कर्कश शब्द का विलोम शब्द नहीं है, मधुर, मधु, मीठा, कठोर। ये देखिए, मधुर, मधु, मीठा, ये सब कर्कश शब्द का विलोम शब्द है, लेकिन ये जो कठोर, ये कर्कश शब्द का विलोम शब्द नहीं है। भ्रम शब्द का विलोम शब्द है, उनमें से कौन शब्द भ्रम शब्द का विलोम शब्द है, निश्चित, संशयहीन, निभ्रम या निसंशय। आंसर इज निभ्रम। जड़ शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए, जड़हीन, चेतन, स्थूल या सचल। आंसर इज चेतन। चेतन है जड़ शब्द का विलोम शब्द। ईर्षा शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए, शीतलता, जलन, स्नेह या प्रसन्नता। द आंसर इज स्नेह। रावण शब्द का पर्याय है, द आंसर इज दशान। मिथ्या, असत्य, अनुरुत किस शब्द के पर्यायवाची है, सच, झूठ, आक या यश। द आंसर इज झूठ। झरना शब्द का पर्याय है, कीर्ति, भगिनी, प्रपात, मिथ्या। द आंसर इज प्रपात। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, सार, आनंद, आभूषण या रोशनी। द आंसर इज आभूषण। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास, उपमा, यमक या श्लेष। द आंसर इज अनुप्रास। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त है और उसके अर्थ अलग अलग रहे, वह कौन सा अलंकार है, उपमा, प्रतीक, यमक या अनुप्रास। द आंसर इज यमक। निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम बताइए, लाल कमीज मेरी है। ऑप्शन सर लाल कमीज या मेरी। द आंसर इज मेरी। अक्ल के घोड़े दौड़ाना इस महावाक्य का अर्थ क्या है, बुद्धि का इस्तेमाल करना, बुद्धिमान होना, बुद्धिहीन होना या बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। द आंसर इज बुद्धि का इस्तेमाल करना। उंगलियां पर नचाना का सही अर्थ क्या है, संकेत करके नृत्य कराना, इच्छानुसार कार्य करवाना, संकेतों से नृत्य सिखाना, व्यर्थ परेशान करना। उसका आंसर इज इच्छानुसार कार्य करवाना। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके साथ ये रेड बटन प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ ये बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।